दोस्तों, बनारहाट ग्राम पंचायत 2 के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं वहां पर आने वाले समय में जो है ग्राम सभा होने वाली है। पंचायती राज्य व्यवस्था में कहा जाए तो ग्राम सभा का काफ़ी मुख्य योगदान होता है, मुख्य भूमिका होता है। इसी के अंतर्गत गांव के लोग अपनी समस्याओं को मुखिया या सरपंच या कहे तो प्रधान के समक्ष रखते हैं। पर दोस्तों, सवाल यह आता है कि आखिर ग्राम सभा है क्या, यह किस प्रकार से काम करती है और आने वाले समय में इसे और कितनी मजबूती की आवश्यकता है ताकि ग्राम सभा के माध्यम से लोग और जुड़ पाए और गांव कस्बों के समस्याओं को ग्राम पंचायत की व्यवस्था के अंतर्गत सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। तो चलिए फिर समझते हैं ग्राम सभा को। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा पंचायत राज्य की मूल संस्था है। पंचायत राज्य अन्य संस्थाएं ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति एवं जिला परिषद जनता के प्रतिनिधियों वाली संस्था है, परंतु ग्राम सभा स्वयं में जनता की सभा है। हमारे गणतंत्र में 4 सभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं ग्राम सभा। इन चारों में भी ग्राम सभा एक मूल सभा है, क्योंकि पहली तीनों सभाओं में जनता के सीधे या घूमकर अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, परंतु ग्राम सभा में तो स्वयं जनता उपस्थित होती है। इसके अलावा ग्राम सभा हमारे गणतंत्र की इन चारों सभाओं में सदस्यों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी है। इसकी अवधि का कोई परिसीमन नहीं, यह अखंड है। अगर एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक ग्राम पंचायत हो तो जितनी ग्राम पंचायतें होंगी उतनी ही ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, अर्थात हर ग्राम पंचायत अपनी निर्धारित सीमा के अंतर्गत रहने वाले मतदाताओं की ग्राम सभा की बैठक बुलाकर निर्णय लेंगे। ग्राम सभा की बैठक कब और कैसे की जाती है? हर 3 माह पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी है। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 4 बार की जानी है, जिसके लिए 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की तिथि तय की गई है। पर आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा की बैठक कभी भी और जितनी बार मुखिया या सदस्य चाहे प्रक्रिया अनुसार बुला सकती है। ग्राम सभा बैठक का आयोजन करने की जिम्मेदारी मुखिया की है, यानी कि प्रधान। यदि वह बैठक का आयोजन नहीं कर पाते हैं तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी BDO बैठक का आयोजन करेंगे। प्रथम बैठक के अंतर्गत ग्राम सभा सदस्यों की संख्या 1000, प्रथम बैठक की गणपूर्ति 50 और अगले बैठक की गणपूर्ति 25। उसी प्रकार से दूसरी ग्राम सभा में 1200 लोग, जिनमें प्रथम गणपूर्ति में 60 और अगली दूसरी बैठक में 30 होगी। तीसरी बैठक ग्राम सभा सदस्यों की संख्या 1300 और इसी प्रकार से प्रथम बैठक में 65 और अगली बैठक में 33 रहेंगी। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत प्रधान या उनकी अनुपस्थिति में उप प्रधान करेंगे। ग्राम सभा संकल्प कैसे पारित करती है? ग्राम सभा सौंपे गए विषयों से जुड़े किसी संकल्प को ग्राम सभा में हाजिर सदस्यों के बहुमत से पारित करती है। ग्राम सभा के कार्य क्या हैं? ग्राम सभा में किसे गांव में किए जाने वाले विकास कार्यों की योजना निर्माण प्रस्तावित करना और उसे पारित करना, कार्यों का प्राथमिकरण करना यानी कि कौन सा काम पहले किया जाए, कल्याण एवं विकास योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान एवं चयन करना, यदि ग्राम सभा यह काम स्वयं से नहीं कर पाती है तो फिर पंचायत इस कार्य का निष्पादन करेंगी। समुदाय कल्याण के कामों के लिए नगद या अनाज या दोनों देकर मदद करना, श्रमदान करके सहयोग देना, समाज के सभी लोगों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, मुखिया उपमुखिया और ग्राम पंचायत सदस्यों से ग्राम पंचायत के कार्यों, विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं और उसकी आमदनी और खर्चे के बारे में पूछताछ करना। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हमारे वीडियोस को इतना पसंद किया है, आई होप कि आप सभी को ये वाला वीडियो भी पसंद आए। दोस्तों, हम सभी कोशिश करेंगे कि आप सभी को बेहतर जानकारी दे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।